हेलो पिलामाने, आम चैनल को स्वागत। आज आम संस्कृतर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा, जो गुड़िक वेरी इम्पोर्टेंट तुमको एसेट वन परीक्षा में 95% अधिक नंबर आने में साहय कर। पिलामाने आज आम सप्तम पाठर आलोचना करवा, पूर्व आम सिंह शासक कथ आलोचना कर सारी। जब तुम्हें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक देखना तो आम डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जाए देखिपर कि टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन हो देखिपर। आज आम सत्यम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करवा। पे देख मुझ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक ही तुमको कहबी, जो गुड़ाक परीक्षा आसवर 95% चान्सेस रही। समस्त क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करी, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक ही डिस्कसन करी। ये देखिपर दे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे ये परीक्षा में तुम आसवर 90% संभावना रही। पुष्करिणी ग्रामजना किम करती, पुष्करिणी गाँ लोक मैंने कौन करुते, तो आम जानते गाँ लोक मैंने कौन करुते। पे गाँ लोक मैंने पोखरी में स्नान करती, लुगा धुंती, सेठे शौचकर्म करती, गाई महिंसी छेली प्रभृति गृहपात पशु को सेठे गाधोई दिखती, एपरिक से पोखर जला पाक रोष पान कहे पीवा कार्य आदि से पाने प्रश्नटे पुणी थे मन रखीदे। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्नटे जे पुष्करिणी ग्रामजना किम करती, पोखरी में गाँ लोक मैंने कौन करुते। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखा पे परवर्ती प्रश्न, मुनि कथम असंतुष्ट अभवत, मुनि काहीकि असंतुष्ट थिले, मुनि कथम असंतुष्ट अभवत, मुनि काहीकि असंतुष्ट थिले। पिलामाने ना उत्तर कौन हो ना, मुनि जो पोखरी में स्नान तर्पण करुथिले से पोखरी लोक मैंने निजर मैला लुगा पखाड़ुथिले, शौचकर्म करुथिले, गृहपालित पशु मानक गाधेई दउथिले। पोखरीटी पंक और दलर भरी होइथिले, भरी होइथिले सफा सुतरा रखे गाँ लोक जिते बुझाइले से जमा जत्न नहीं नथिले। जे पिला माने कौन हैला ना, मुनि कौन करुथिले ना से पोखरी में स्नान तर्पण करुथिले, लोक माने सेथिरे गृहपालित पशु शौचकर्म लुगा धोइबा ए सब काम करुथिले। पोखरीटी दल पंक भर्ती थिले, जिते बुझाइले गाँ लोक माने तर सफा करुनथिले। मुनिंकर सकाळ प्रयास निरर्थक हैला, तेणु मुनि अत्यंत क्षुब्ध हेले। मुनि जिते बुझाइले लोक माने तांका कथा शुणिलेनि, तेणु मुनि कौन हेले असंतुष्ट होइथिले। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जनाहा कथम बालकम ताड़ायंती। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न जे काहीकि गाँ लोक माने बालक को बाड़ौते, तो आम जानते काहीकि बाड़ौते पिला माने, बालकटी कौन थिला मिथ्यावादी थिला। उत्तर कौन हम पिला माने ना, बालकटी मिथ्यावादी थिला, सबुबले मिछ कथा कहि अन्य मानको प्रतारणा करथिला। दिने ग्रामर लोक मानक मिछ कहि धरा पड़ा, गाँ लोक कौन कले क्रोधरे बालकटी को उचित शिक्षा देवाई बारंबार आघात कले। यह देखि दयाल मुनि लोक मानक कबल पिलाटी को बचाई आनी थे ना। पे प्रश्नटी पुणी मन रखीदे जे जनाहा कथम बालकम ताड़ लोक मैंने काहीकि बालक को बाड़ौते। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन दे देखा पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथम पुष्करिणिया अभवत प्रदूषण मुक्त अभवत, किपर पोखरीटी प्रदूषण मुक्त है। जे मुनि परामर्श अनुसार लोक मैंने विशाल मछ को धरवाक जाए पोखर जल निष्कासन कले, पोखरी चारिपटे थी अनावना गच को काटी सफा करदे, पोखर पंक उद्धार कले। वर्षा काल आसापर पोखरी पुणी जलपूर्ण है, पोखर सौंदर्य को देख लोक मैंने शपथ ने से पोखरी को प्रदूषित करेंगे ना। यहपर भाव पोखरी प्रदूषण मुक्त होता। नेक्स्ट आसला पे प्रश्न, आउ गोटे प्रश्न इंपोर्टेंट देखा। नेक्स्ट प्रश्न आसला जे किम ताबत सत्यम, सत्य कहला आम कौन बुझा, किम ताबत सत्यम, मुनि मतरे केवल सत कथ कह सत्य बोली कहना, जगत में जहाँ कल्याणकर ताकूम सत्य कह, सत्य बेले बेले सामान्य मिथ्यार रूप नहीं पारे। ये आमर सत्यम, सत्यम कहले यह कह। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाड़क सहरसम ग्रामजन कि मुबाच, बाळकटी हसी हसी गाँ लोक को कौन कही, बाळक कौन कहला पे ना, मुनिंकर निर्देश क्रमे बाळकटी हसी हसी ग्राम लोक बड़ पाटी कहला, हे लोक मैंने पोखरी जल गोटे विराट माछ अच्छी धाई आस देख से किपर पोखरी में खेलुचे। जिते बड़े लोक मैंने कथा को अविश्वास कले से कहला, मो कथा विश्वास आसुना तेल मुनि को पचारे आस, से मध्ये मो सहित विराट माछटी को देखिछंते। तो प्रश्नटे पे कौन आउ थे मन रखिदेबा प्रश्नटे जे बाळक सहरसम ग्रामजनम किम बाच, बाळकटे हसी हसी गाँ लोक को कौन कहिला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखा पे, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है महामाछम प्राप्तम ग्रामजन किम अकुर्बन, महामाछटी को पाइबापे गाँ लोक मैंने कौन कले। महामाछ पुष्करिणी, महामाछ पुष्करिणी रही मुनिंग शुणापर
ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀରେ ପଶି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଲାଭରୁ ନିରାଶ ହେଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁନିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ। ତା ସହିତ ଏକ ନାଳ କରି ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ସବୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ମହାମାଛକୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଙ୍କକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ହେଲା ନା, ସାୟଂକାଳେ ଜନାଃ ବିରକ୍ତ ଅଭବତ୍, ସାୟଂକାଳେ କଥମ୍, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରଖି ଲୋକମାନେ ବିଶାଳ ମାଛ ଧରିବାକୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖୋଜିଲେ, ସେହି ବିଶାଳ ମାଛର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁନିଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମର SA1 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି? ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବା, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।